मैंने तय किया कि इस बार मैं रीवा का साथ नहीं छोड़ूंगा। रीवा से किया हुआ हर वादा निभाऊंगा। रीवा पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ सह चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंचे। लेकिन सभी और उसके ताई के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। फिलहाल सभी की ताई को सच नहीं बता सकते वरना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। और मैं एक और मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। ईशान, अभी अभी तूने कहा कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे रीवा को परेशानी हो और अगले ही पल में तू ये कह रहा है कि तू सभी को इस घर में वापस लेकर आएगा। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रीवा, मैं अपनी बात कह चुका हूँ, तुम्हारा फैसला है। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम जो भी फैसला लोगी वो सही ही होगा। ओके, अगर तुम्हारे लिए वाकई ये इतना जरूरी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। तुम सभी और उसकी ताई हरिणी को इस घर में ला सकते। थैंक यू रीवा, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से ठीक एक महीने बाद मेरे मॉम डैड की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम मुझसे वादा करो ठीक उसी दिन तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूं रीवा, तुम्हारी शर्त मुझसे जबरदस्ती कुछ करवाने के लिए नहीं है। तुम पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हो इसलिए तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूं अगले ही महीने हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसी बीच में सही मौका देकर मैं हरिणी ताई को सब कुछ बता दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।